वहां चोरी करने वाले अंतर्राज्य गैंग के 3 अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध असलाहों व चोरी की 12 मोटरसाइकिलें भी की गई बरामद। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने वार्ता कर दी मीडिया को जानकारी। फिरोजाबाद थाना पचोखरा पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में वाहनों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 अभियुक्त अवैध असलाहों सहित गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें व लाख तोने वाली मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। पुलिस लाइन सभागार में इस संबंध में वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशन में थाना पचोखरा पुलिस व एसओजी टीम को उस समय महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग चोरी की मोटरसाइकिल को कहीं ठिकाने लगाने के लिए एकत्रित है, जिस पर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की ओर पुलिस मुठभेड़ में 12 चोरी की मोटरसाइकिल सहित गैंग के 3 सदस्यों को अवैध तमंचों व कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर। सर, किस तरीके से खुलासा किया गया है? थाना पचोखरा हरवेन मिश्र जो एसओ हैं वहाँ के, उनके तत्वाधान में ये संयुक्त कार्रवाई एसओजी और थाना पचोखरा की हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 12 मोटरसाइकिलें उनके निशानदेही पर बरामद हुई हैं। 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, 6 कारतूस उनसे बरामद हुए हैं। एक मास्टर की जो हर बाइक को लूटने में और चोरी करने में ये यूज़ करते थे, वो बरामद हुआ है। आपको बताना चाहूँगा, ये 2 अपराधी इसमें एचएस हैं, जो रिश्ते में जीजा साले लगते हैं, तो जीजा सालों का गैंग है और ये इनके अंतर्राज्यीय गैंग है। कई राज्यों में इन्होंने घटनाएं कर रखी हैं। इसमें एक अभियुक्त का 21 मुकदमे हैं उनके ऊपर और एक अभियुक्त पे 7-8 मुकदमे हैं। और ये मैनपुरी से एचएस है एक अभियुक्त इसमें, और एक जसराना से एचएस है। इन अभियुक्तों के नाम कामरान, शाहिद और रिंकू हैं, और आज इनको पर्याप्त सबूतों के साथ गिरफ्तार करके और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।